आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। धीरज साहू ने उच्च न्यायालय में दाखिल की केवीएट, कहा हमारा भी पक्ष सुना जाए। झाविमो विधायक प्रदीप यादव के पक्ष में आए बंधु तिर्की। अरूप चटर्जी के बारे में कहा चोर मचाए शोर। अरूप ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मत पत्र को सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। अब खबर विस्तार से। राज्यसभा चुनाव के बाद भी झारखंड में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये विवाद विपक्ष में ही खड़ा हो गया है। मासस विधायक और झाविमो के विधायक के विवाद और भाजपा की उच्च न्यायालय में चुनाव परिणाम के खिलाफ याचिका दाखिल करने की धमकी के बीच राज्यसभा के नव नियुक्त सांसद धीरज साहू ने सोमवार को उच्च न्यायालय में केवीएट दाखिल की। उन्होंने अर्ज किया है कि उनकी बात को भी सुना जाए। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के विधायक और वामपंथी विधायक अरूप चटर्जी के बीच मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के बीच घमासान इस स्तर पर पहुंच गया है कि उस संदर्भ में झारखंड विकास मोर्चा के महामंत्री बंधु तिर्की को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदीप यादव के बारे में सफाई देनी पड़ी। उन्हें ये कहना पड़ा कि प्रदीप यादव ने विपक्ष के उम्मीदवार धीरज साहू को वोट दिया है। उन्होंने मासस विधायक अरूप चटर्जी पर परोक्ष हमला करते हुए यहाँ तक कह दिया कि चोर मचाए शोर। दरअसल मासस विधायक अरूप चटर्जी के प्रदीप यादव पर लगाए गए गंभीर आरोप से पार्टी की साख पर आ रही आंच से झारखंड विकास मोर्चा चिंतित है। पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर चली गई है। झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को इस प्रकरण से गहरा धक्का लगा है। बताते चले कि 4 साल से बाबूलाल मरांडी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने यहां तक कॉम्प्रोमाइज किया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। राज्यसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा पर आक्रामक हमला बोला था। वे बार बार आरोप लगा रहे थे कि भाजपा की नैतिकता खत्म हो गई है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के विधायक प्रकाश राम के आचरण से वे एक तरह से झेंप गए। पिछली बार के राज्यसभा चुनाव में भी प्रकाश राम ने पलटनियां मारी थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। इस बार खुद झारखंड विकास मोर्चा को ये सार्वजनिक करना पड़ा कि उनके विधायक प्रकाश राम ने पार्टी लाइन से अलग हटकर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। प्रकाश राम को निलंबित भी कर दिया गया। यहां बताते चलें कि प्रकाश राम के अलावा विपक्ष के एक और विधायक ने भाजपा उम्मीदवार प्रदीप सोनथालिया के पक्ष में मतदान किया था। झाविमो के विधायक प्रदीप यादव ने यह आरोप लगाया था कि मासस विधायक अरूप चटर्जी ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके बाद अरूप चटर्जी ने जोरदार हमला बोला और कहा कि उन्होंने नहीं बल्कि प्रकाश राम की तरह प्रदीप यादव ने भी क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने यहां तक कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आग्रह करेंगे कि उनके और प्रदीप यादव के मतदान को सार्वजनिक किया जाए, ताकि झारखंड की जनता ये जान सके कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा था कि प्रकाश राम की तरह प्रदीप यादव ने भी पलटनियां मारी है। मासस विधायक के इस आरोप को लोगों ने सच भी माना है। इससे पूर्व हुए राज्यसभा चुनाव में प्रदीप यादव की भूमिका को लेकर काफी सवाल उठा था। उसे बल इसलिए मिला था कि प्रदीप यादव ने 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद कई बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के तत्कालीन भाजपा पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी। कई दौर की बैठकें भी दोनों के बीच हो गई थीं। सूत्रों की माने तो प्रदीप यादव पाला बदलने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन उनके अहंकार के कारण बात नहीं बन पाई और भाजपा ने झाविमो के 6 विधायकों को दल में मिलाकर उन्हें करारा जवाब दिया था। कहते हैं प्रदीप यादव के उस समय के आचरण से भूपेंद्र यादव बहुत आहत हुए थे और उसी के बाद भाजपा ने झाविमो को बिखेर दिया। इस बार के राज्यसभा चुनाव ने बाबूलाल मरांडी के साथ साथ हेमंत सोरेन को भी चिंतित कर दिया था। दरअसल हेमंत सोरेन ने कांग्रेस से ये वायदा किया था कि राज्यसभा में आप धीरज साहू को उम्मीदवार बनाएं, उन्हें जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। शर्त इतनी भर है कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस को मेरी शर्तों पर लड़ना पड़ेगा। इसी के अनुरूप धीरज साहू उम्मीदवार बने। चुनाव के दिन जब क्रॉस वोट की खबरें आने लगी तो हेमंत सोरेन की चिंता बढ़ गई।
कहा तो यहां तक जा रहा है कि उन्होंने अपने एक नेता को उस दिन विधानसभा में थप्पड़ भी मार दिया था। वे काफी गुस्से में आ गए थे। वे जानते थे कि अगर राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट सकारात्मक नहीं रहा तो उसका सीधा असर अगले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और उनकी अगुवाई संभवतः कांग्रेस को स्वीकार नहीं होगी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें राहत मिली। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के धीरज साहू चुनाव तो जीत गए, लेकिन विपक्षी एकता तार तार हो गई। राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि अगर प्रदीप सोंथालिया का थोड़ा भी राजनीति से सरोकार रहा होता, वे सोशल रहे होते, तो वे चुनाव जीत जाते। पार्टी और खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसमें खूब मेहनत की थी, लेकिन प्रदीप सोंथालिया चूंकि राजनीति में अनाड़ी रहे हैं और इससे पहले समाज में उनकी कोई सहभागिता नहीं रही है, इसलिए उनकी हार हो गई। धीरज साहू ने उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल की। इधर चुनाव जीतने के बाद भी धीरज साहू निश्चिंत नहीं हैं। भाजपा ने दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो चुनाव परिणाम को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेगी। भाजपा का कहना था कि निर्वाची पदाधिकारी ने एक वोट को कैंसिल नहीं किया था, जबकि वो गलत तरीके से डाला गया था। वहीं ये भी कहा था कि झामुमो के विधायक अमित महतो के वोट को रद्द नहीं किया गया, जबकि उन्हें एक अदालत ने 2 साल की सजा दे दी थी और सजायाफ्ता अमित महतो वोट नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने इस तथ्य को छिपाया और गलत तरीके से अमित महतो का वोट करवाया। भाजपा ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को भी कोट किया था। उसी के बाद धीरज साहू ने सोमवार को उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल कर ये अर्ज किया है कि जब कोई उनके चुनाव को चुनौती दे तो उनका पक्ष भी सुना जाए। कुल मिलाकर राज्यसभा का चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के बाद भी घमासान चालू आए। देखिए आगे आगे होता है क्या। अब तक की खबर में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।